वेलकम स्टूडेंट टू ब्रिलियंट क्लास। ब्रिलियंट क्लास में आपका स्वागत है। आपको इस प्रॉब्लम में अगर क्लैरिटी नहीं दिख रही है, इस वीडियो में आपको ये प्रॉब्लम क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके डिवाइस पे जो तीन डॉट जो दिखते हैं यूट्यूब के ऐप पे, जो तीन डॉट जो आते हैं उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको पूछेगा क्वालिटी, तो क्वालिटी में जाके आपको 360 या उससे अपर वाली क्वालिटी लेनी है, तो आपको ये प्रॉब्लम एकदम क्लियरली दिखेगा। आपको जो ब्लरनेस है, प्रॉब्लम की जो ब्लरनेस आ रही है वीडियो में, वो आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं होंगी आपको। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रॉब्लम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम में दिया क्या है, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं, कमर्शियल क्लर्क के एग्ज़ाम में, फिर टीसी के एग्ज़ाम में, फिर एएसएम के एग्ज़ाम में और अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, ए और बी का रेशियो, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है और ए बी सी आपको निकालना है। इस प्रॉब्लम को पहले तो मेथड से कैसे करना है वो बताऊंगा, उसके बाद इस प्रॉब्लम को विदाउट मेथड 7 सेकंड के अंदर कैसे करना है वो भी बताऊंगा आपको। देखिए चलिए पहले मेथड देख ले। ए अनुपात बी आपको दिया है, ए इज टू बी दिया है आपको 3 4, बी इज टू सी दिया है 2 3, तो ए बी सी जो फाइंड करना है वो लिख लीजिए। ए बी सी, ए अनुपात बी 3 4 दिया है, तो ए और बी के नीचे लिख लेना है आपको 3 4। बी अनुपात सी 2 3 दिया है, तो बी अनुपात सी 2 3 दूसरे लाइन में लिख लेना है बी और सी के नीचे। अब देखिए ये जगह खाली है मेरी, ये खाली जगह मुझे भरनी है, तो मैं क्या करूँगा, साइड का जो नंबर है वो लिख दूँगा यहाँ पे 4। यहाँ पे साइड वाला नंबर 2 है वो लिख दिया मैंने, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इन सब को गुना कर दिया, 3 2 6, 4 2 8, 4 3 12। अब ये इससे भी सिंपल फॉर्म में कट होते हैं, ये 2 से कट होते हैं, तो 2 के टेबल से मैं इसे कट करूँगा, 2 3 2 4 2 6, तो 3 4 6 ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन 3 4 6। ये तो हो गई मेथड। अब इससे सिंपल तरीका, आपको 4 सेकंड से 7 सेकंड में आपको सॉल्व हो जाएगा, 4 या 7 सेकंड, वो डिपेंड करता है आपके स्पीड के ऊपर। ए इज टू बी, ए और बी का अनुपात आपको 3 4 दिया है, ऑप्शन में चेक करना है कहाँ पे ए और बी का रेशियो 3 4 आता है। फर्स्ट ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 3 4 आ गया, सही है। सेकंड ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 3 4 आता है, आ गया। सी में देखिए ए और बी का रेशियो 3 4 आ रहा है, नहीं 4 3 आता है, तो ये ऑप्शन मेरा कट हो गया। अब देखिए ये दोनों ऑप्शंस में मेरा आंसर है, मुझे पता है। अब देखिए क्योंकि ए और बी सेटिस्फाई हो गया है, अब मैं क्या करूँगा, बी और सी देखूँगा, बी अनुपात सी क्या दिया है 2 3 2 3, मुझे चेक करना है आता है कि नहीं किसी ऑप्शन में। अब देखिए बी और सी 2 3 आ रहा है, देखो 4 6 4 6, तो ये देखो 2 से जाता है ये 2 और ये 3 2 3 आ गया, 2 3 सेटिस्फाई करता है पहला वाला। दूसरे पे चेक करेंगे, दूसरे पे 4 12 ऐसा आ रहा है, तो इसका 1 3 हो जाएगा, नहीं ये ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर है। मैं कुछ सेकंड में टिक करके आगे निकल जाऊंगा। आपकी स्पीड अच्छी है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो आप 4 या 3 सेकंड में टिक कर लोगे। आप पहली बार जब सीखते हो उसमें आपको 7 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे तो 3 सेकंड 4 सेकंड में आप करके आगे निकल जाओगे। यही डिफरेंस होता है सिलेक्टेड बच्चे और नॉट सिलेक्टेड बच्चों में। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो इसी ढंग से करना है, और ये ढंग, ये जो तरीका, ये जो मेथड, ये सिर्फ ब्रिलियंट क्लास में पढ़ाई जाती है। देखिए इसी टाइप के प्रॉब्लम हर साल पूछे गए इसी टाइप के प्रॉब्लम, किसी किसी एग्ज़ाम में 1 प्रॉब्लम, किसी में 2, किसी में 3 पूछे जाते हैं। देखिए इसी सेम टाइप का प्रॉब्लम, किसी सेम टाइप का प्रॉब्लम दूसरी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। देखिए ए इज टू बी का रेशियो दिया है 2 3,
बीस टू सी का रेशियो दिया है 5:7, और आपको ए बी सी का रेशियो मतलब अनुपात आपको ढूंढना है। ए इज टू बी कितना दिया है 2:3, देखिए ऑप्शंस में देखिए 2:3 आ रहा है कि नहीं, 10:15 देखिए 10:15, ये 5 से डिवाइड होता है दोनों भी, 5 2 5 3 2 3 आ गया इसमें ऑप्शन में 2:3 ए और बी। अब देखिए इसमें 2:3 आ रहा है, नहीं 2:8 आ रहा है, नहीं है ये ऑप्शन, नहीं है। सी में 4:15 आ रहा है, नहीं है ये ऑप्शन भी। डी में 2:5 आ रहा है, ये भी नहीं है। देखिए मेरे फर्स्ट ऑप्शन से ही आ गया मेरा आंसर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया आंसर, तो इसको तो और कम टाइम लगेगा आपको, तो ए मेरा आंसर टिक करके मैं आगे निकल जाऊंगा। ये डिफरेंस होता है, आप स्मार्टली पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो मेथड से लगाते रहोगे सिलेक्शन के, सिलेक्शन से आप दूर जाते रहोगे। तो आपको सिलेक्शन पाना है तो इसी मेथड को अपनाइए, इसी मेथड से सॉल्व कीजिए, और ये मेथड पढ़ाई जाती है सिर्फ ब्रिलियंट क्लास में। तो आपको ब्रिलियंट क्लासेस ज्वाइन करके इस तरीके के और प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम पूछ। चलिए स्टूडेंट आते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ये प्रॉब्लम है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कुछ स्टूडेंट का कहना होगा कि यार जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है सिंपल टॉपिक है, तो उसे तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है उसकी ट्रिक सर आपने बता दी, उसकी मेथड हमें बता दी, वो तो हम इजीली कर सकते हैं अभी। पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि बहुत ही हार्ड टाइप का टॉपिक होता है, जिसमें फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, सर उसे कैसे करना है? सर जी उसे भी विदाउट फॉर्मूले ही करना है, विदाउट फॉर्मूले ही पढ़ाया जाता है ब्रिलियंट क्लास में। देखिए ये आपको प्रॉब्लम दिया है, इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, 20,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ऐसा ये प्रॉब्लम आपको दिया है। सिंपल सिंपल बहुत सिंपल है ये प्रॉब्लम, अगर फॉर्मूले से आप करने जाते हो तो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो ए जो अमाउंट है उसका फार्मूला वो है इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 रेस टू टी। फिर उसके बाद आप निकालोंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो कि आपको सी आई मिलेगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, नहीं यूज़ करना है। फार्मूले आप कितने याद रखोगे, मैथ्स में तो हज़ारों फार्मूले हैं, इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं होता है कि फार्मूले से करने जाते हो आप लोग, फार्मूले से नहीं करना है सर जी। ये फार्मूले वाली मेथड पुरानी हो चुकी है, आज नेगेटिव सिस्टम आ चुका है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कम, इस मेथड से आपको सॉल्व करना है कि जिसमें आपको सेकंड्स लगे, जिसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विदाउट फॉर्मूले से, ये प्रॉब्लम कैसे होता है देखिए। ये देखिए आपको क्या दिया था, 2,000 रुपये प्रिंसिपल दिया है, सॉरी 2,000 नहीं 20,000 दिया है, 20,000 दिया है। उसके बाद आपको क्या दिया है, टाइम दिया है 2 इयर्स, 2 वर्ष आपको टाइम दिया है। उसके बाद आपको दिया है रेट, रेट कितना दिया है 10%। चलिए आ जाइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, 2 साल का दिया हुआ है, इसलिए आप क्या करोगे, प्रिंसिपल ऊपर लिख लेना है आपको, प्रिंसिपल लिख लिया ऊपर। अब आपको बनानी है एक ट्री, ये देखिए 2 साल बोला है इसलिए मैं 2 ब्रांचेस बनाऊंगा उस ट्री के। यह हो गया फर्स्ट ईयर के लिए और यह हो गया सेकंड ईयर के लिए। अब देखिए आपको क्या दिया है, रेट कितना दिया है 10%। तो 20,000 का 10% कितना होता है, क्या करना है, 20,000 को 10 से डिवाइड करना है। आप 20,000 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, ये 0,0 कट हो गया और आ गया 2,000। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का 2,000। अब सेकंड ईयर में भी 10% लेना है इसका, तो कितना हो जाएगा 2,000, सेम आ जाएगा, ये सेम आ गया। ये सेम चीज़ क्या है, ये सेम चीज़ है सिंपल इंटरेस्ट, आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखिए इसका फिर से 10% ले लीजिए,
2000 जो है उसका 10% लिख लीजिए, कितना होगा, फिर से 2000 जो दिया उसको 10 से डिवाइड कीजिए, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कट हो गया, कितना आ गया आपका 200, 200। अब ये जो पूरा मैंने फाइंड किया है, ये पूरा का पूरा ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है सर जी? कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो है ऊपर का, ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, मेरा ऐसा है साधारण ब्याज। और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मुझे पूछा था सीआई, तो मैं इन सब का एडिशन कर दूंगा। क्या हो जाएगा इन सब का एडिशन? 2000 प्लस 2000 4000, 4000 प्लस 200 4200, ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस प्रॉब्लम में तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था, अब किसी किसी प्रॉब्लम में पूछा जाता है इन दोनों का डिफरेंस, सी आई माइनस एस आई। कुछ नहीं, ये पूरा आपको दिया हुआ है सी आई, ये एस आई, इस सी आई में से एस आई निकाल दोगे तो आपको क्या मिलता है, सी आई माइनस एस आई। तो ये जो है आपका उस